नमस्कार, nishamadhulika.com में आपका स्वागत है। आज हम ब्रेड आलू भोंडा बनाएंगे। ये बहुत ही अच्छे लगते हैं। इन्हें सुबह छुट्टी के दिन नाश्ते में बनाया जा सकता है या फिर शाम को स्नैक्स के रूप में बनाकर खाया जा सकता है। किसी पार्टी के लिए भी इन्हें बना सकते हैं। तो आइए ब्रेड आलू भोंडा बनाना शुरू करते हैं। ब्रेड आलू बोंडा बनाने के लिए सबसे पहले हम बेसन का घोल बनाकर तैयार करेंगे। हमने 2 कप बेसन लिया है। बेसन में पानी डालेंगे और जैसा पकौड़े के लिए घोल बनाते हैं उस तरह का घोल बनाएंगे। हमने बेसन का घोल बना लिया है, रनिंग कंसिस्टेंसी है। और अब हम इसमें 1/2 छोटी चम्मच नमक या स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और 1/4 छोटी चम्मच अजवाइन और 1/4 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर। ये सब डाल करके मिक्स कर देते हैं अच्छे तरीके से। ये घोल हमारा तैयार हो गया। अब हम इसे किनारे से रख देते हैं। अब हम आलू की स्टफिंग बनाते हैं। इसके लिए हमने 4 आलू ले लिए हैं उबाले हुए। इनको हम छील लेंगे। ये आलू हमने छील कर तैयार कर लिए और अब हम इन्हें तोड़ लेते हैं। ये आलू हमने अच्छे बारीक तोड़कर तैयार कर लिए हैं। अब हम इनमें मसाले मिलाएंगे। तो हम 1/2 छोटी चम्मच नमक डाल देंगे या स्वादानुसार नमक लेंगे। 1/2 छोटी चम्मच अमचूर पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 इंच अदरक का टुकड़ा बारीक कटा हुआ, कद्दूकस करके भी डाल सकते हैं, 1/4 छोटी चम्मच से थोड़ा सा कम गरम मसाला, 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर और 2 छोटे छोटे हरे मिर्च जो हमने बारीक काट लिए हैं और थोड़ा सा 2-3 टेबलस्पून हरा धनिया। सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिलने तक मिलाएंगे। आलू में हमने सारे मसाले अच्छे तरीके से मिला लिए हैं। हमारी आलू की स्टफिंग बनकर तैयार हो गई है। अब हम ब्रेड तैयार करेंगे। ये हमने 10 ब्रेड ले लिए हैं। ब्रेड के किनारों को हम काट देंगे। तो 2 ब्रेड रखेंगे और किनारे काट देते हैं। इस तरीके से हम सारी ब्रेड काट कर तैयार कर लेंगे। ये हमने सारे ब्रेड काट कर तैयार कर लिए। अब हम आलू को डिवाइड करके 10 भागों में बांट लेते हैं। तो हम छोटे छोटे बॉल बना लेते हैं बराबर बराबर के, क्योंकि 10 हमारे पास ब्रेड है, 10 हम आलू की बॉल बना के तैयार कर लेते हैं इस तरीके से। ये हमने आलू के 10 बॉल बना लिए। हमने बेसन का घोल बना लिया है। आलू की स्टफिंग से हमने गोले बना लिए हैं और अब हम बोंडे बनाएंगे। तो इसके लिए हम ब्रेड लेंगे एक उठाकर हाथ पर। ब्रेड को हमें थोड़ा सा पानी में डिप करना होगा। तो एक प्लेट में हमने थोड़ा सा पानी निकाल लिया है। ब्रेड को हम इस तरीके से बहुत ही जल्दी से डिप करके निकाल लेंगे, एक्स्ट्रा पानी हटा देंगे और एक आलू का गोला उठाएंगे, इसके ऊपर रखेंगे और ब्रेड में इसको बंद कर देंगे। ये देखिए, इस तरीके से हम ब्रेड में स्टफिंग को लपेट कर तैयार कर लेंगे। इसे हम रख लेते हैं यहाँ पर। अब हम इन्हें तलेंगे। तलने के लिए हम बोंडे को बेसन में लपेटेंगे, बेसन में डालेंगे अच्छे तरीके से, चारों ओर बेसन की कोटिंग आ जाए। और अब हम उठा करके इसे गरम तेल में डालेंगे। तेल को चेक करने के लिए ज़रा सा हम ब्रेड का टुकड़ा इसमें डालें। देखिए बिल्कुल सिक रहा है, हमारा तेल गरम है, तो हम बोंडे तलने के लिए तेल में डाल सकते हैं। डाल देते हैं। बोंडा को हम चारों ओर से अच्छा गोल्डन ब्राउन होने तक तलेंगे। बोंडे चारों ओर से गोल्डन ब्राउन सिक कर तैयार हो गए हैं। इन्हें हम निकाल लेते हैं और सारे बोंडे हम इसी तरीके से बनाकर तैयार करेंगे। ये हमने सारे बोंडे तलकर तैयार कर लिए। एक बार के बोंडे तलने में 5-6 मिनट लग जाते हैं।
ब्रेड आलू बोंडा बनकर तैयार है। बहुत ही अच्छे बोंडा बने हैं, बहुत ही स्वादिष्ट बोंडा बने हैं। और आपने देखा, इन्हें बनाना बहुत आसान है, कैसी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ब्रेड आलू बोंडा को हरे धनिया की चटनी, टमाटो सॉस या मीठी चटनी किसी के भी साथ सर्व कर सकते हैं। तो आप इन्हें बनाइए, खाइए और अपने अनुभव nishamadhulika.com पर शेयर कीजिए। एक बार फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।